नमस्कार, मैं हूं उदयशंकर। न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां छापे की कार्रवाई आठवें दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए, हालांकि पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन 350 करोड़ की पुष्टि हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि अब तक 500 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं। कई बैंकों के कागजात मिले हैं, लॉकर्स के कागजात मिले हैं, उन्हें अब खंगाला जा रहा है। और यही वजह है कि आठवें दिन भी छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि आईटी के अधिकारियों को ये कहीं से भनक लगी है या कहीं से कोई सुराग मिला है कि जो उनका रांची रेडियम रोड स्थित आवास है, वहां जमीन के नीचे कोई तहखाना है और जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और कैश रखे हुए हैं और अब उसकी तलाश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जियो सर्विलांस यानी वो तमाम उपकरण यहाँ मंगाए गए हैं जिनसे माइंस खनन किया जाता है, और जियो सर्विलांस के उपकरण मंगाए गए हैं ताकि जमीन के 8-10 फीट 20 फीट नीचे भी अगर कुछ है तो उसका पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि काफी गुप्त तरीके से जांच की जा रही है और देर रात एक्सपर्ट की टीम उस आवास में थी, तमाम लाइट्स बंद कर दी गई थी और देर रात तक ये अभियान चला है। हालांकि कुछ मिला है या नहीं इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। किसी के भी प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है, बाहरी लोगों का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया गया है और जो घर में लोग हैं उन्हें भी फिलहाल निकलने की इजाजत नहीं है कुछ जरूरी कामों को छोड़कर। तो तलाश इस बात की हो रही है और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो 7 दिन से छापेमारी चल रही थी और कल बहुत सारे जो आईटी के टीम्स थे वो निकल गए थे, लेकिन फिर से बहुत सारी गाड़ियां वापस शाम में पहुंचती हैं। उन्हें जिस तरह से आपने बताया कि कुछ भनक लगी होगी, कुछ इनपुट्स मिले होंगे, उसी इनपुट्स के आधार पर जो है उन्होंने कार्रवाई कल की है। और जियो सर्विलांस से जितने भी जो घर का जो आसपास का इलाका है वहाँ पे कहीं ना कहीं जियो सर्विलांस से देखने की कोशिश की गई जमीन के अंदर क्या कुछ है मौजूद, क्योंकि जो इनपुट्स मिला है उसके अनुसार उन्हें ये भनक लगी है कि जमीन के अंदर भी कुछ छुपाए जा सकते हैं, हीरे जेवरात, सोना चांदी, समथिंग या फिर कैश। कैश का तो जियो सर्विलांस से पता लगा पाना मुश्किल, लेकिन हीरे जेवरात अगर है तो वो जियो सर्विलांस से जो है पता लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आईटी के टीम्स हैं वो इसमें लगे हुए, और जितना धीरज साहू का जो रेडियम रोड का जो आवास है उस पूरे आवास को कहीं ना कहीं छानने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि रात की बात कर ले तो पूरे रात में आवास का लाइट को बंद कर दिया गया था और बहुत सारी टीम जो थी अन्य अन्य क्षेत्रों में जो है जियो सर्विलांस की मशीन थी और उस मशीन से कहीं ना कहीं ये जांचने की कोशिश हो रही थी कि क्या उस जगह पर क्या किसी तरह के हीरे जेवरात होने की जो सूचना मिली है वो सच है या नहीं है। तो रात भर टीम लगी रही, आज भी छापेमारी जो है उस आवास पर जारी है। हालांकि जो आवास के अंदर का जो छापेमारी था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर पूरी प्रीमाइसेस की बात करें उस प्रीमाइसेस की भी जांच आईटी की टीम करना चाह रही है, क्योंकि आईटी की टीम ने जब छापेमारी की थी उड़ीसा और रांची के कुछ ठिकान पर तब उन्हें ये उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा कैश मिलेगा, लगभग 500 करोड़ की राशि मिलेगी। और इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई, बहुत सारे इनपुट्स मिले, उसी इनपुट्स के आधार पे कहीं ना कहीं जो टीम है वो और पुख्ता जानकारी लेते हुए जितने भी एरियाज है उस एरियाज को छानना चाहती हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो अवैध संपत्ति कह सकते हैं या इनकम टैक्स के जो पैसे को बचाया गया है उस पैसे से कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ हीरे जेवरात या फिर सोना चांदी खरीद कर कहीं पर छुपाया गया होगा। तो इस वजह से जो है आईटी की टीम अपने जो तहकीकात है उसको पुख्ता करना चाहती है और घर का हर कोना छानना चाहती हैं जहां उन्हें लग रहा है कि यहां पर कुछ छुपाया जा सकता है। तो यही वजह है कल रात में भी वहां पर जियो सर्विलांस जो है पूरे इलाके को छाना गया है। अब देखने वाली बात हुई कि उन्हें कुछ मिला है या नहीं मिला है, हालांकि आज देखने वाली बात हुई कि आज भी छापेमारी जारी रहेगी। तो देखने वाली बात यह होगी, 500 करोड़ कैश मिल चुके हैं, बैंकों के लॉकर्स में कितने हीरे जवाहरात मिले हैं, कितने जेवरात मिले हैं, सोने के बिस्किट्स कितने मिले हैं और बैंकों में कितने रुपए हैं, इन सब के लिए हर किसी को इंतजार है आईटी की सीजर लिस्ट का। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही छापे की कार्रवाई खत्म होगी, जब आईटी के अधिकारी ये सारा हिसाब मिला लेंगे तब सीजर लिस्ट जारी होगी। नीरज, कहा जा सकता है कि जब सीजर लिस्ट आएगी तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले होंगे।
कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आपने बताया पूरा देश का एक कह सकते हैं मुद्दा बन गया है, हर व्यक्ति के जुबान पर जो है धीरज साहू का नाम है और ये पूरे छापेमारी का नाम है, ये कहा जा रहा है पूरे इतिहास का सबसे बड़ा कैश बरामदगी है। तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है और सीजर लिस्ट आएगा तब पता चल पाएगा क्या कुछ बरामद हुआ, क्योंकि हमें जितने भी जानकारी मिली वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ पुष्टि नहीं हुई है। तो सीजर लिस्ट आने के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि कितने कैश बरामद किए गए हैं, कितने हीरे जेवरात बरामद किए गए हैं और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कितने जो टैक्स है उसकी चोरी की गई है, तमाम बातें जो हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर आईटी की टीम से एक प्रेस लिस्ट जारी किया जाएगा उसके माध्यम से बता दिया जाएगा। तो हो सकता है उसके आने के बाद जो आंकड़े हमारे पास है शायद उससे और ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो वो उस पर क्लियर हो पाएगा जब आईटी की टीम अपनी तरफ से कुछ पुष्टि करे। बिल्कुल, तो इंतजार सीजर लिस्ट का है। और जहां तक आंकड़ों की बात है तो हम ये आपको बता दें कि बोलंगीर स्टेट बैंक वहां के रीजनल हेड ने 300 करोड़ रुपए निकलने की पुष्टि कर दी है और ये बता दिया था कि 300 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं, यानी 500 करोड़ रुपयों पर कोई शक सुबह नहीं है, लेकिन फिलहाल इंतजार सीजर लिस्ट का है तभी पता चल पाएगा। और बताया जा रहा है कि आजादी के बाद ये देश की सबसे बड़ी रिकवरी है, तो जाहिर सी बात है हर झारखंडी के लिए यह चौंकने वाली बात होगी कि झारखंड में कोई ऐसा व्यवसायी भी था जिसके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति थी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।